नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भटनी उच्च खबर नालंदा से है। पिछले 12 जून को तेलमर थाना क्षेत्र के मुरकटवा पुल के 200 मीटर के समीप भेड़िया गांव जाने वाली सड़क में एक व्यक्ति की घर जाने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया। बता दें कि वैज्ञानिक तरीके से इस घटना को सुलझाते हुए इस घटना में शामिल 5 कुख्यात शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमरान परवेज ने कहा कि इस घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान के सत्यापित कर गरीबन बिंद, फिरोज नट, हरिबिंद, मुन्ना नट और लालदेव बिंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी शेष 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार होने बाकी हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और हत्या करने में लाठी का प्रयोग किया गया था, उस लाठी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है। हालांकि घटना के पीछे की वजह क्या है, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के पीछे पैक्स चुनाव के वक्त हुए विवाद की बात सामने आ रही है। और लालदेव बिंद लोग, 3 लोग मालबीघा के हैं और 3 लोग हैं गिलानी चंडी थाना के, माने 5ों ही लोग चंडी थाना क्षेत्र का है। तो इनका कहना है कि तोराडी गांव के एक व्यक्ति हैं जो इनको हायर किए थे कि ऐसे ऐसा है, कुछ मामला है हमारे बीच में, उस पन्ना को मारना है। जिस मेन अभियुक्त थे उनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी, लेकिन वो फिरार निकल चुके हैं, अभी घर पे है नहीं। उनके पकड़ जाने के बाद से क्लियर पता चल जाएगा कि मोटिव क्या है, लेकिन फिलहाल अभी इन लोग से जो भी बात की गई थी, इन लोग खाली मारने का ही प्लान बनाया गया था। तो ये लोग 7 लोग जो है कि टोटल इस कांड में शामिल हैं, इसमें जिस लाठी से मारा गया था उस लाठी को भी बरामद कर लिया गया, जिस मोटरसाइकिल से वो लोग आए थे वो भी बरामद हो गया, और 3 मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था वो भी इन लोग के हाथ की जरूरत से पकड़ा गया है। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? कुल 5 गिरफ्तारी है। हत्या का